हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू फिजिक्स गेमिंग माय नेम इज दीक्षांत सो इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एंड प्रैक्टिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम क्लास 10th मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हिंदी में उसे कहते हैं द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं डिविघाट समीकरण मतलब एक ऐसा समीकरण या फिर एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर टू हो और वो ही और वो सारी इक्वेशन इक्वल हो जीरो के उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण और या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वेरिएबल की जो हाइएस्ट पावर है उस इक्वेशन में वो टू हो टू से कम नहीं होनी चाहिए या फिर टू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टू ही होनी चाहिए तभी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है एग्जाम्पल के लिए वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिस इज दिनल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको नोट डाउन कर ले काफी इंपॉर्टेंट है अगर इसके बाद से कोई भी इक्वेशन बन रही है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी अगर इससे बाहर से कोई इक्वेशन बन रही है तो वो एक क्वारिक इक्वेशन नहीं होगी इसमें आप देखिए जो वेरिएबल है उसके आइए डिग्री या फिर पावर टू है और ये सारी इक्वेशन इज इक्वल है जीरो के तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसके बाहर से कोई भी इक्वेशन है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख लेता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन इन विच अवेरिएबल

समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं हिंदी में समीकरण वो समीकरण इक्वल जीर हो जीरो के सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप इसको पहले नोट डाउन कर ले तो so, अब इसके कुछ क्वेश्चंस इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसको सॉल्व करने के टू सॉल्व क्वाड्रेटिक

तो अगर आपको फैक्ट्राइजेशन नहीं आता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपके रिकमेंड करूंगा कि आप फैक्ट्राइजेशन को पढ़े फिर ही आपको ऑडिट के क्वेश्चन को समझ पाएंगे वरना आपको समझ में नहीं आने वाले और दूसरा होता है श्री धारण चार्य श्री धारण चार्य अगर स्पेलिंग गलत हो तो, तो उसके लैंड सॉरी मुझे परफेक्ट स्पेलिंग नहीं आती श्री धनचार्य की तो अगर स्पेलिंग गलत तो होता है आई एम सॉरी श्री डाचार्य फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर सो इसको सॉल्व करने के दो टाइप होते हैं एक तो होता है नॉर्मल फैक्टर और दूसरा होता है शीडनचार्यस फॉर्मूला उसको हम फार्मूला भी कंसिडर करते हैं श्री धनचार्यस है फॉर्मूला इसलिए क्योंकि वो श्री धनचार्य इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियंस उन्होंने इसको डिस्कवर करा था इसलिए हम उसको श्री डर श्री डर फॉर्मूलाज कहते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फैक्ट्राइजेशन का यूज करके हम उसे कैसे डिराइव कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए श्री डर फॉर्मूलाज ऑफ फैक्ट्राइजेशन तो सबसे पहले पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन कि वो कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं फैक्ट्राइजेशन का होता है सेवन एक्स तो फैक्ट्राइजेशन तो हमें पता है कि फैक्टराइजेशन में उसके फैक्टर करने होते हैं फिर जो फैक्टर्स आए एक साइड कलेक्ट करके जो बाकी के बच्चे टर्म उसे एक ब्रैकेट में लिखना होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें फैक्टर करने होंगे ये जो बार बार वाले टर्म्स है इन बार बार वालों की मल्टीप्लाई तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा सेवन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट और जो ये ट्वेंटी एट आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे ट्वेंटी एट आए और जिसको प्लस करने पे जिसको प्लस करने पे भी ट्वेंटी एट ही आए जिसको प्लस करने पे भी ट्वेंटी एट आए मैं यहाँ ट्वेंटी नाइन लिख लेता हूँ गलती से मैं ट्वेंटी एट लिख दिया सॉरी यहाँ ना ट्वेंटी नाइन आए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें ट्वेंटी एट आए और जिसको प्लस करने पे हमें ट्वेंटी नाइन आए ट्वेंटी नाइन एक्स आए तो जिसको मल्टीप्लाई करने पे ट्वेंटी एट आए और जिसको प्लस करने पे ट्वेंटी नाइन आए नाइन आए उसको वो फैक्टर है हमारे ट्वेंटी एट इंटू वन क्योंकि ट्वेंटी एट इंटू वन होता है ट्वेंटी एट और ट्वेंटी एट प्लस वन होता है ट्वेंटी नाइन सो दिस इज द फैक्टर तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी सेवन इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट इंटू वन ये फैक्टर्स के दो फैक्टर है जिसको प्लस करने पे ये बीच वाले टर्म आएगी और जिसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे मल्टीप्लाई करी है वो टर्म वो आएगी इंटू इसको हम ऐसे लिखते हैं प्लस करने पे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट एक्स प्लस वन ट्वेंटी एट एक्स प्लस वन प्लस फोर ट्वेंटी एट प्लस और ये वन एक्स और ये वन एक्स यहाँ आएगा ट्वेंटी एट एक्स प्लस वन एक्स प्लस फोर तब यह प्लस होगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन एक्स प्लस फोर तो अब हमें इसको स्प्लिट करना है अग, अगर आपने फैक्टराइजेशन पढ़िया तो आपको आता होगा स्प्लिट करना बीच में से ये जो ये बीच वाले टर्म है इसका जो आधा पार्ट है उसे हमें इस साइड स्प्लिट करना है इसका जो आधा पार्ट है हमें उसे इस साइड स्प्लिट करना है और ये इस साइड स्प्लिट अब इन दोनों के हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर होगा ट्वेंटी एट तो अगर हम इसको और अगर हम इसको और फैक्टराइज करें तो इसकी आएगी वैल्यू सबसे पहले हम इसे और फैक्टराइज कर लेते हैं आपकी सिंपलिसिटी के लिए तो सेवन इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस सेवन एक्स इंटू फोर टू फोर प्लस वन एक्स प्लस फोर तो अब हमें इसे करना होगा इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को कॉमन निकालने होंगे फैक्टर्स तो इसमें आएँगे कॉमन सेवन सेवन एक्स और एक्समें तो भी ये सेवन आएंगे तो सेवन एक्स कॉमन आ जाएगा और अंडर बचेगा एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस अब हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना तो अब आपको अगर अब आप देखें तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो हम यहाँ पे सिंपली वन लिख देंगे और फिर हमें ब्रैकेट में लिखने हैं एक्स प्लस फोर क्योंकि वन एक्स वन एक्स क्योंकि वन एक्स होता है एक्स तो इसलिए एक्स प्लस फोर और अगर आपके जो ब्रैकेट में टर्म्स आई है अगर ये दोनों डिफरेंट हो अगर ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हो तो आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है तो हमारे में तो ये दोनों टर्म्स सेम है ये तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल परफेक्ट है तो अब हमें ये जो बाहर अब हमें जो एक ब्रैकेट में टर्म्स आई नहीं कॉमन लेना है और हमें जो है बाहर वाले टर्म्स आईने ब्रैकेट में लेना है फिर ये आ जाएगा सेवन एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस फोर अब हमें अब यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएगी अब यहाँ से शुरू होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालने का फॉर्मूला मतलब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे अब अब यहाँ से ये ये यहाँ तक तो था फैक्ट्राइजेशन था अब इसके बाद निकलेगी क्वारिनेटिक इक्वेशन तो अब जो ये दो वैल्यूस आई है अब हमें एक वैल्यू को अब हमें एक वैल्यू को जीरो के इक्वल रख के देखना और दूसरी वैल्यू को जीरो के इक्वल रख के देखना फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की दो वैल्यू आती है अगर आपको कहीं ऐसा दिखे कि एक्स की एक वैल्यू तो दो फिर ये दोनों वैल्यू सेम आएगी तभी वो एक्स की वैल्यू तभी वो एक्स की वैल्यू एक दिखाते हैं तो हमने इस वाले टर्म को जीरो के इक्वल देखना तो 7x 1 0. अब हमें इस वाले टर्म को देखनावल टू जीरो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन बाय सेवन और यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस फोर सो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आई है यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आई है एक वैल्यू आई है माइनस वन बाय सेवन और एक वैल्यू आई है माइनस फोर तो एक्स की दो वैल्यू आती है और अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो तो हमें प्लस माइनस तो हमें तो ये दोनों सेम हो जाती है तो जब ये एक्स की दोनों वैल्यू सेम हो तो हमें एक्स एक ही कंसिडर करते हैं कि एक्स की वैल्यू एक ही आई क्योंकि फिर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो इसका आंसर है एक्स इजिकल टू माइनस वन बाय सेवन एक्स इजिक्वल टू माइनस फोर सो so, अगर आपको इसको वेरीफाई भी करना है तो आपको ये जो टर्म है ये जो एक्स की वैल्यू है ये इसमें रख के देखनी है और जो ये एक्स की वैल्यू है इसको इसमें रख के देखना है और अगर जब हम इसको सोल्व करेंगे और ये जीरो के इक्वल आ जाए दोनों टर्म्स तो आपकी ये आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आपकी वैल्यू सेम आई है वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ आ जाएगी आपकी वैल्यू इसमें सेम सो हमारी एक्स की वैल्यू आई है ये फैक्ट्राइजेशन मेथड आप इसको नोट डाउन कर ले एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं या फिर उससे पहले हम जो ये हमारा जो ये क्वेश्चन था इसको हम अब फॉर्मूले वाले उससे सॉल्व करते जो फॉर्मूले उनसे। थे उनसे सॉल्व करेंगे हम अब तो हमारा क्वेश्चन था सेवन एक्स स्क्स ट्वेंटी नाइन एक्स प्लस फोर तो टैक्स को निकालने के माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में टू ए ये प्लस माइनस इसलिए क्योंकि हमें एक बार यहाँ पे प्लस प्लस लगा के वैल्यू निकालनी होता है एक बार यहाँ पे माइनस लगा के जैसे हमने फैक्टराइजेशन में करा था दो वैल्यूस आई थी ऐसे इसमें भी दो वैल्यूस आते एक बार प्लस लगाना लगा के वैल्यू आएगी और एक बार माइनस लगा के सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एक्स सो ये काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है इससे आपका जो वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू आसानी से आ जाती है लेकिन उसमें फैक्टराइजेशन में हमें काफ़ी लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है तो अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें और एक और बात जो ये है बी स्क्वायर माइनस फोर ए ये ग्रेटर और इक्वल देन होना चाहिए जीरो के अदरवाइज अगर ये बी स्क्वायर स्मॉलर देन हुआ के तो ये आपका आंसर या फिर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है तो ये नहीं होना चाहिए वरना ये आपका आंसर गलत हो जाएगा ये होना चाहिए जब बी माइनस फोर ए सी इक्वल या ग्रेटर जीरो के तो आपका जो सॉल्यूशन है वो एकदम परफेक्ट है तो आपको पहले से वेरीफाई करना होगा तो यहां से देखते हैं ए बी और सी क्या है तो ए बी और सी हैफिशियंट जो एक है नंबर सी होता है ए बी सी तो ये है ए ये है बी और ये है सी सो so, यहाँ से बीस स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट नहीं लगाना वो हमें बाद में लगाना है कि ये जीरो से बड़ी है या उससे छोटी है अगर ये स्मॉलर डैन हुई तो आपका या फिर ये क्वेश्चन गलत है या फिर आपका आपने इसको गलत तरीके से डिराइव करा सो बीस माइनस फोर ए सी इसकी वैल्यू आएगी बी है ट्वेंटी नाइन तो ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर मैं मल्टीप्लिक कर, मल्टीप्लिकेशन करके निकालता हूँ अभी या फिर फ़ोर ऐसे लिख लेते हैं पहले माइनस फोर ए सी तो फोर ए फोर फोर इंटू फोर सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू सेवन तो सिक्सटीन इंटू सेवन और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ मैं

तो इसकी वैल्यू एट फोर्टी वन माइनस वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो हमें देखना से पता लग रहा है कि ये बीस स्क्वायर माइनस फोर ए सी यह ग्रेटर डैन जीरो तो आपका जो ये क्वेश्चन ये एकदम सही क्वेश्चन है तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं फोर एट्टी फोर एट फोर्टी वन है एट्टी फोर समझ लो इसका आंसर आएगा सेवन ट्वेंटी नाइन विच इज ग्रेटर देन ज़ीरो सो जो ये आपका ये क्वेश्चन है ये एकदम सही है तब तो हम इसकी वैल्यू निकालते एक्स की वैल्यू आएगी पहले प्लस पहले प्लस करके देखते तो इसे तो हमारा जो है क्वेश्चन है एकदम सही है तो यहाँ से देखते थे बीस तो करो माइनस फोर ए सी की वैल्यू आई है सेवन ट्वेंटी नाइन एंड विच इज ग्रेटर देन जीरो सो ये क्वेश्चन ठीक है मैं इसको कर हूँ और एक और बार बताई थी कि जो इसके दो क्वेश्चन तो जो इसके दो आंसर आते हैं ये एक्स के तो एक आंसर होता है जब जब हम इसको प्लस करके निकालते हैं एक आंसर जब हम इसको माइनस करके निकालते हैं तो उन दो आंसर को हम कहते हैं अल्फा प्लस करके अल्फा आता है और माइनस करके बीटा आता है तो यहाँ से हम हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर A, C, by A. By A. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस बी तो माइनस बी तो बी है माइनस ट्वेंटी नाइन हो जाएगा ये प्लस ट्वेंटी नाइन तो माइनस ट्वेंटी नाइन हो जाएगा प्लस अंडर रूट सेवन ट्वेंटी नाइन तो सेवन ट्वेंटी नाइन आई थिंक ये थर्टीन का स्क्वायर है बाय टू इं टू सेवन तो एक बार वेरीफाई करके भी देख लेते कि थर्टीन क्या ही है या फिर किसी और का थर्टीन का थ्री थ्री जो नाइन थ्री वन जो थ्री सर so थर्टीन का नहीं है थर्टीन का तो वन सिक्स नाइन है आई एम सॉरी सर एक बार मैं कैलकुलेटर में सेवन ट्वेंटी नाइन का अंडर उवन ट्वेंटी नाइन की वैल्यू देख लेता हूँ तो अंडर रूड सेवन ट्वेंटी नाइन की वैल्यू है ट्वेंटी सेवन तो इसका आंसर आएगा माइनस ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी सेवन बाई फोरटीन तो इसका आंसर आएगा माइनस टू बाय फोर्टीन तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वन बाय सेवन तो आप याद करना कि जब मैंने फैक्टराइजेशन से इसकी वैल्यू निकाल ली थी तो एक वैल्यू माइनस वन बाय सेवन आई थी वो वैल्यू थी जब हमने इसको प्लस करा था प्लस नहीं करा था जब अब इसकी वैल्यू आई थी जब सेवन आई थिंक कि सेवन एक्स प्लस वन को जब हम जीरो के इक्वल रखा था तब तो इसकी ये वैल्यू आई थी तो वो सेवन एक्स प्लस वन है अल्फा तो एक वैल्यू इसकी ये आई है तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन बाय सेवन अब निकालते हैं बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ निकलना है प्लस की जगह माइनस का साइन लगा देना है अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो कैलकुलेशन अपोजिट हो जाएंगी तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी नाइन तो हो तो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी नाइन तो ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी सेवन तो हो जाएगा माइनस फिफ्टी सिक्स पहले लिख लेता पूरा कैलकुलेशन से माइनस ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी सेवन बाई फोर्टीन इक्वल टू माइनस फिफ्टी सिक्स बाई फोर्टीन तो के टाइम में फिफ्टी सिक्स आता फोर पर तो इसकी वैल्यू है माइनस फोर तो आप ये थिंक करना कि जब हमने फैक्ट्राइजेशन सेकंड वैल्यू निकाली थी वो थी शायद एक्स प्लस फोर को जब हमने जीरो के इक्वल रखा था तो उसकी वैल्यू आई थी माइनस फोर सो बीटा की वैल्यू क्या है माइनस फोर तो जब वो वैल्यू थी वो बीटा थी तो इसकी वैल्यू माइनस फोर सो दिस इज द सम बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अब अब थोड़ा हाई लेवल पर जाते हैं तो काफी से. So, अभी तो इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे आप इसको नोट डाउन कर लें अब हम इसके थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं तो हम इसके क्या लेवल पर जाते हैं सपोज कीजिए इसके दो वैल्यूज आई थी एक आई थी अल्फा प्लस करके और एक आई थी बीटा माइनस करके तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें तो इसकी क्या वैल्यू आएगी तो जब हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी जब हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमें पहले इन दोनों को प्लस करना होगा तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और पहले बता कि जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं तो अगर आपको बुक में डी दिखाई दे तो आप इसको अलग मत समझना इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं बाय टू ए तो अब आप प्लस करना होगा इसे प्लस प्लस बी यहाँ पे तो माइनस लगाना होगा स और यहाँ माइनस अनडाउटाउट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वन मिनट प्लीज रिकॉर्डिंग देख रहा था तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो अभी मैं इसको शॉर्ट में जल्दी कराने की कोशिश करूँगा बाय टू ए तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी करके ही बुटा देता हूँ टू ए सेम आया तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी लिख लेता हूँ इस बार डी प्लस प्लस माइनस माइनस होता तो ये माइनस हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी तो यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस टू बी बाई टू ए और यहाँ से टू और टू हो तो इसकी वैल्यू आई बी बाय ए सो so, जो हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस बी बाय ए और अब करते हैं अल्फा इन बीटा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है और इसकी फिर वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे जब इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी सी बाय सी बाई ए मैंने इसको सॉल्यू इसलिए नहीं करा फिर ये वीडियो काफी लंबी हो जाती तो अगली वीडियो हम कंसीडर करेंगे कि जब हमें अल्फा माइनस बीटा करना होगा मोड़ लगा क्योंकि हमें अल्फा बीटा बड़े या छोटे हमें नहीं पता तो मोड़ लगा के अल्फा माइनस बीटा करना होगा तब हम उसके वैल्यू निकाल लेंगे कल क्योंकि आज ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो मैं आर डी शर्मा की बुक में से कराऊंगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब